हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ वीवो X80 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। उसके पहले मैं एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा। और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, फेसबुक में हो, जहाँ पर आप सकते हैं वहाँ में आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी मेन टॉपिक पर आते हैं। तो वीवो X80 प्रो के बारे में हम लोग देखने वाले हैं अभी, तो इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा 2G से 5G तक। ठीक है, ये लॉन्च के बारे में देखिए, ये अनाउंस हुआ था 25 अप्रैल 2022 में और ये रिलीज हो चुका है 18 मई 2022। अभी बॉडी के बारे में देख लेते हैं। इसका डायमेंशन जो है वो है 164.6 × 75.3 × 9.1 mm। इसका जो वेट है वो है 215 ग्राम या फिर 219 ग्राम, ठीक है, इसके बीच में रहता है इसका वेट। इसका जो बिल्ट है वो है ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक और सिरामिक बैग और इको लेदर बैग एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में। ठीक है, इसमें आपको डुअल सिम मिल जाएगा, नैनो सिम और डुअल स्टैंड बैग के साथ में, और ये IP60 रेटिंग के साथ आता है जो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट सपोर्ट करता है। ये 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट्स, मतलब ये 1.5 मीटर नीचे रह सकते हैं पानी का 30 मिनट के लिए। ठीक है, अभी डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो टाइप है वो है LTPO3 AMOLED 1B कलर्स, 120Hz HDR10+ Certified डिस्प्ले है और इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1500 nits। ठीक है, इसका जो साइज है डिस्प्ले का वो है 6.78 इंचेस का और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 89.9%। इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 1440 × 3200 pixels और ये 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है और इसका जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी है वो है 517। ठीक है, अभी प्लेटफॉर्म के बारे में OS देख लेते हैं। ये एंड्रॉइड 12 में चलता है और फांटस वेल 12 ग्लोबल में चलता है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो है ओशन का, चाइना। फिर चिपसेट ये है, इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 4 नैनोमीटर में बेस्ड है। ठीक है, प्रोसेसर या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 मिल जाएगा आपको, वो भी 4 नैनोमीटर में बेस्ड है। इसका जो CPU है दोनों ही ऑक्टाकोर ही है और जो GPU है उसका है एड्रीनो 730 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के लिए और मीडियाटेक डायमेंसिटी के लिए है माली G710 MC10। ठीक है, इसमें अभी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपको कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, इसका एक ही वेरिएंट है स्टोरेज 12GB RAM 256GB स्टोरेज और ये EFS 3.1 स्टोरेज में बेस्ड है। अभी कैमरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले है फर्स्ट कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का F1.6 एपर्चर के साथ में आता है, ये वाइड एंगल का भी काम कर देता है। जो सेकंड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, ये पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। ठीक है, F3.4 एपर्चर के साथ में आता है। थर्ड कैमरा जो है वो है 12 मेगापिक्सल का F1.9 एपर्चर के साथ में आता है, ये टेलीफोटो कैमरा भी है, कैमरा का भी काम करता है। इसमें गिम्बल OIS का सपोर्ट भी है। और लास्ट जो फोर्थ कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का F2.2 एपर्चर के साथ में आता है, ये अल्ट्रा वाइड कैमरा का काम कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल ड्राइव लिंक, और इस वीवो X80 प्रो का ऑफिशियल पेज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां में जाके आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस PDF को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक कर दूंगा, तो वहां में जाके आप फॉलो कर सकते हैं, वहां में जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस फोन को खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलेगा देखिए, जाइज ऑप्टिक्स मिल जाएगा लेंस कोटिंग के साथ में, पिक्सल शिफ्ट, डुअल LED, डुअल टोन फ्लैश, HDR और पैनारोमा। ठीक है, इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 8K या 4K में 30 या 60 FPS में, 1080p में 30 या 60 FPS में, जायरो EIS का सपोर्ट भी यहाँ में मिल जाएगा। अभी सेल्फी कैमरा देखिए, आपको सेल्फी कैमरा मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का F2.5 एपर्चर के साथ में आता है, ये वाइड एंगल कैमरा का भी काम कर देता है। इसमें जो फीचर्स है वो है HDR। ठीक है,
एचडीआर मतलब पीछे भी मिलेगा आपको और आगे भी मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ में वीडियो कर सकते हैं 4K 30 FPS में या फिर 1080p 30 FPS में। अभी साउंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साउंड आपको लाउड स्पीकर यहाँ में मिल जाएगा, 3.5 mm जैक आपको यहाँ में नहीं मिलेगा। जो ऑडियो का वर्जन है वो है 32 बिट 192 kHz ऑडियो। अभी कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपको वाईफाई मिल जाएगा, वर्जन EZ2.11 वाईफाई की 6 के साथ में डुअल बैंड वाईफाई। ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा वर्जन 5.2 स्नैपड्रैगन में और 5.3 डायमेंसिटी वर्जन में, ठीक है। इसमें आपको GPS मिल जाएगा, नेवेक के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। NFC मिल जाएगा, आपको इंफ्रारेड पोर्ट मिल जाएगा, रेडियो आपको नहीं मिलेगा यहाँ में। और USB टाइप है जो है वो है USB Type-C 3.1 ग्लोबल में और 3.2 चाइना में, USB ऑन द गो के साथ में। यहाँ में आपको फीचर्स क्या क्या मिलेगा देखिए, सेंसर्स आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ में आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट, अंडर डिस्प्ले या अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक्सेलरोमीटर सेंसर, जेरो सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सेंसर और कलर स्पेक्ट्रम, ठीक है। सेंसर बैटरी देखिए, आपको बैटरी यहाँ में मिलेगा लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी 4700 mAh के साथ में। ये नॉन रिमूवेबल बैटरी है। इसमें आपको चार्जिंग देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ में आपको फास्ट चार्जिंग 80 वाट मिल जाएगा आपको, जो 100% 38 मिनट में आपको कर देता है। फास्ट वायरलेस चार्जिंग मिलेगा आपको 50 वाट का, 100% इन 50 मिनट में आपको कर देगा। और रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाएगा आपको। अभी मिशलेनियस देखिए कलर्स क्या क्या मिलेगा आपको, कॉस्मिक ब्लैक, ब्लू और ऑरेंज। इसका जो मॉडल है पहला है स्नैपड्रैगन का, फिर है मीडियाटेक का, ठीक है। और लाउड स्पीकर का टेस्ट UFS ये वेरी गुड, ये लाउड स्पीकर का रेटिंग है, ठीक है, मेजर किया था। और फाइनली इसका जो प्राइस है वो है 12 GB RAM 256 GB स्टोरेज, एक ही वेरियंट है 79,999 रुपीज़। ये बहुत हाई एंड फ्लैगशिप फोन है, तो आप देख लीजिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छा फोन है, आपको बहुत सारा फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगा, आप गेम भी खेल सकते हैं यहाँ। और लास्ट में मैं कुछ फोटोज कलेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश किया है कि वीवो AX30 को कैसे लगता है देखने में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।